नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जो कि अपने खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और बांधों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं बना और यहाँ किसी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर 2012 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत हिंदू राजशाही से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडे के चारों कोने होते हैं। नेपाल ने कभी भी जातीय, धार्मिक और दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून की एक बूंद भी नहीं बही है, जबकि ये देश 80 जातीय समूहों का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नेपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाल के लोग एक दूजे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा हमारे देश भारत में भी होता है। नमस्कार का अर्थ, मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वे दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है। नेपाल कभी चरस और तंबाकू के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है। इसमें 130 भाषाएं बोली जाती है। दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है, जिसकी ऊंचाई मात्र 54.6 सेंटीमीटर है। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में नंबर एक पर है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में है। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या $1 प्रतिदिन से भी कम पैसों में गुजारा कर रही है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में नेपाल की गिनती की जाती है। सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर बना हुआ है। जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार का होता है। नेपाल की लुप्त प्रजातियों में सुंदर हिम तेंदुए, लाल पांडा और एक सिंग वाले गेंडे का समावेश है। नेपाल की सबसे फेमस फास्ट फूड है मोमो। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या काठमांडू में रहती है। सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड 2 नेपालियों ने बनाया था, जो कि 42 घंटे 35 मिनट तक चलता रहा। नेपाल की कलिंगदा की नदी हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइंस में एशिया से बाहर जाने वाले प्लेन बहुत ही कम है और इसलिए नेपाल से हवाई यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों,
ये थी नेपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।